हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चन आंसर, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, यहाँ से आपको 10 से 15 प्रश्न डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस वगैरह की कृष्णदेव राय संबंधित है, तो कृष्णदेव राय संबंधित है किससे संबंधित है? तो एक नंबर का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी विजय नगर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस बार जो है कई बार पढ़ चुके हैं, बट देखिए ये बिहार बोर्ड का द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर में ये भी दिया हुआ है। अब देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये किसका जो है कहा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर दूसरा नंबर का बी नंबर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन यहां पर आ चुके, क्या बोल रहा है कि पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के जो रचयिता है वो कौन है? तो तीन नंबर का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं अगर जानते हैं तो। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वीर साहब पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो वीर साहब पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार नंबर का, चार नंबर डी नंबर हो जाएगा, बस बनना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या बोल रहा है? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो अशोक द्वारा प्रचारित जो है बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका पांच नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी ब्रिटेन में नहीं हुआ था। देखिए ये सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो है आप लोग को पूछा गया है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे को अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की आरंभिक जो राजधानी थी इसका राइट आंसर राजगृह में थी। ठीक है, अगर सात नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अगर आप लोग चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है, खासकर क्लास 12th की। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, फ्रांकोइस बर्नियर था, तो कौन था? सात नंबर का हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी एक फ्रांसीसी था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो यानी किसके काल में हुआ था? तो आठ नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर शाहजहां ने कराया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोल रहा है कि सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियां का अंकन है? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी जातक का अंकन है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 10 नंबर, कह रहा कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच वेद का संकलन हुआ था। तो किस वेद का संकलन हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा हमारा, यानी क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे 11 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? देखिए ये सारा प्रश्न आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, बट ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है, रिवीजन करना है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड का जो ये बुक छापा गया है तो बिल्कुल सेम न्यू पैटर्न पर बेस पर जो छापा गया है। ठीक है, अब यह 11 नंबर का राइट आंसर बी नंबर देगा, यानी नेपोलियन को कहा जाता है। सॉरी 12 नंबर का, पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 12 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर सी नंबर, 1510 ईस्वी में। चलिए अब देखते आगे करो, आगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। तो 1857 के जो पहला जो शहीद होने वाला था तो कौन शहीद हुआ था? 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर, यानी मंगल पांडे। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा पूर्व छठी और चौथी शताब्दी के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 14 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, मगध। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल नहीं है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, अंतर जिखेरा इसमें जो है पुरास्थल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी 14वीं शताब्दी में आया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो 17 का राइट आंसर डी नंबर, माउंट बेटन। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न, जो ये प्रश्न जो बिहार बोर्ड के बुक में छापा हुआ है। अब यहाँ देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी 1942 में। चलिए अब देखते हैं आगे करो, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू स्टूडेंट हो। अब यहाँ देखिए, खुद्दक निकाय का संबंध है, तो खुद्दक निकाय का संबंध किससे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, सुत्त पीठक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, शंकराचार्य का मत कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर यानी 20 नंबर का बी नंबर, अद्वैतवाद कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? तो जैन साहित्य कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का श्री नंबर जाएगा, श्री नंबर में क्या है, यानी मध्यमिका सूत्र कहलाता है। जल्दी जल्दी से आप 22 नंबर, कह रहे कि संथाल विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका ये देखिए,
ये बिल्कुल सारा प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ देखिए, किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 1793 ईस्वी। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो 24 नंबर का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? श्री नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या जहांगीर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चले अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का बोल रहा है, सॉरी 25 नंबर कह रहा है कि विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग 25 नंबर का जवाब दीजिए। 25 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी संगम वंश, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, पहला हिल स्टेशन कौन था? तो पहला हिल स्टेशन कौन था? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी शिमला, राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बाबा गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1469 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, तो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने, तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी 29 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कलिंग मौर्यकालीन कलिंग राज स्थित था, तो कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या बोल रहा है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो 30 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है तो किस समय मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी 13वें अभिलेख में। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, यहाँ जो कह रहा है सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी ए नंबर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप को, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पर 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी गुजरात हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर 34 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर, हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा, ठीक है। देखिए ये सारा प्रश्न हम लोग जो बार बार पढ़ चुके हैं, बट ये देखिए अभी आप लोग को पता चल चुका होगा कि बिहार बोर्ड के जो मेन मॉडल पेपर है उसमें उस मॉडल पेपर में आज जो मैं लेकर आया हूँ न्यू मॉडल पेपर, तो ये प्रश्न दिया हुआ है, इसका मतलब कि सारा प्रश्न जो हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की तो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी क्या है, जॉन मार्शल और यानी मार्टिन व्हीलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है 36 नंबर, देखिए कह रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो इसका राइट आंसर 36 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी 20 जुलाई 1947 ईस्वी को बना था। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर 13वें अभिलेख डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली थी? तो 1917 में संभाली थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन सी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी पोलज जो है यानी उर्वर भूमि थी। ये थोड़ा सा आप लोग को दिखता कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो किस साम्राज्य से संबंधित? इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 41 नंबर कह रहा है कि किस भूराजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को देना मतलब दिया? तो 41 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी नंबर जाएगा, यानी रैयत वारी। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42 नंबर कह रहा है कि सभी ने आगे आंदोलन ने गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो कब तोड़ा? तो 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल 1930 को हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन 43 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी 4वीं वाला करतूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मोहन जोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो यहाँ पर 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी राखलदास बनर्जी ने। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, 45 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी राजकुमार शुक्ला। अब
अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर परित्याग किया गया था? तो यहाँ पर 46 नंबर का राइट आंसर, बी नंबर जगह नहीं, 30 वर्ष के आयु में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे को, 47 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ मिला था? तो यहाँ पर 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी डी नंबर जगह एरन में मिला था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके, 48 नंबर क्या बता रहा है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है? तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर क्या, डी नंबर जगह, यानी राज्य, किस राज्य या राज्य पर अधिकार होना, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर जगह। चलिए अब देखते हैं आगे को, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या, तो 49 नंबर का राइट आंसर ए नंबर जगह, यानी महाभारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे को, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फ्रांसवा बेर्नियर था, तो फ्रांसवा बेर्नियर था तो यानी इसका आंसर क्या, डी नंबर जगह, इनमें से कोई नहीं, यानी फ्रांसवा बेर्नियर कुछ भी नहीं था यहाँ से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 51 नंबर क्या बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता मैन जो निवासी मतलब रहता था तो उसको किस धातु का ज्ञान रहता, तो यहाँ पर राइट आंसर लोहा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की, आगे 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हरप्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर जगह, यानी कासंग युग की सभ्यता है। चलिए अब देखते हैं आगे की, 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आया था? तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 53 का राइट आंसर सी नंबर जगह, यानी हेनसांग आया था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 नंबर का बोल रहा है इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर 54 नंबर का क्या होगा, डी नंबर, बी नंबर, नहीं मेगास्थनी जगह, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, बी नंबर, यानी मौर्य वंश का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 56 नंबर क्या बोला, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 18 है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 57 नंबर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो हुई थी किस भाषा में हुई थी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्या बोला जा रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए डी नंबर हो जाएगा, यानी जैन धर्म से है। अब यहाँ पर देखिए 59 नंबर, त्रिपाठिक साहित्य संबंध है, तो किससे? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके नंबर नहीं, मोहम्मद गजनी के साथ आया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला, इब्न बतूता अपने यात्रा वृतांत का जो किस भाषा में लिखा था? तो 61 नंबर का आंसर क्या, डी नंबर जगह, अरबी में लिखा था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62 नंबर का डी, बी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका राइट आंसर कभी, यानी गुरु नानक का हो जाएगा, बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या बता रहा है, कह रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 नंबर का, ओके, बी नंबर, यानी जी एस लिबीदेव को। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो किस राज्य से संबंधित है, तो 65 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, डी नंबर जो है विजयनगर से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या बता रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो यहाँ पर राइट आंसर 66 नंबर का श्री नंबर जाएगा, यानी जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या बता रहा है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 67 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर जगह, यानी तीन भागों में विभक्त है। अब देखिए आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 68 क्या बता रहा है, दीने इलाही संबंध है, तो दीने इलाही किससे संबंधित है? तो 68 नंबर का राइट आंसर सी नंबर जगह, यानी अकबर से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्या बता रहा है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर 69 नंबर का राइट आंसर क्या, सी नंबर जगह, यानी औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या, 70 नंबर बोला जा रहा है, अकबर की, यहाँ पर देखिए अकबरनामा की रचना किसने की? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब दे सकते हैं, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर जो होगा, यानी 70 नंबर का हमारा, तो डी नंबर, यानी अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर यानी 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दामिनी को क्या है? तो दामिनी को एक भूभाग है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, तो अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो 73 नंबर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कॉर्नवालिस से। अब देखते हैं आगे की ओर, पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओके, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, 1510 ईस्वी, अब यहाँ पर बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर 75 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1905 में हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 76 का राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी 1922 में। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बता रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, 78 नंबर कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहरवंश बुक्का ने की थी, राइट आंसर बी नंबर। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 क्या बता रहा है,
पर्याग प्रस्थी की रचना किसने की थी? तो पर्याग प्रस्थी की रचना जो की थी वो किसने की थी? तो शीनम राइटन यानी हरिसेन ने की थी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहिए, सवार का संबंध किससे? तो घुड़सवार राइटन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की जो रचना की थी राइट आंसर यानी वेदव्यास ने की थी, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, राइट आंसर बी नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर यानी मगध हो जाएगा। मैं मतलब तेजी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे प्रश्न आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग का टाइम को बचाते हुए फटाफट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है किस देश का निवासी था? तो यहाँ पर राइट आंसर मोरक्को का हो जाएगा, 84 का बी नंबर। चलिए अब देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर यानी कि क्या जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 86 क्या बता रहा है, कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो 86 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, रामानंद ने किया था। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कि किस वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई? तो सिंधु सभ्यता जो खोजी गई थी तो 1921 में खोजी गई थी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके दीने एलआई समझ दे, तो अकबर से राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक जो विकास हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर जगह नहीं क्या जगह, सॉरी 89 का सी नंबर यानी शाहजहां के काल में हुआ था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुके हैं 90 नंबर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो 90 नंबर का राइट आंसर क्या डी नंबर जगह नहीं, बहादुर शाह जफर। चलिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में है, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्रियाकलाप से है? तो यहाँ पर जो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर जाएगा, ठीक है, यानी पांचवी रिपोर्ट। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है, सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश किस लिपि में है? तो यहाँ पर राइट आंसर 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी सारसेनी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सौरसेनी। अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, कि भारत प्राचीन भारत के महाकवि का नाम बताएं? तो प्राचीन भारत के महाकवि का नाम क्या है? तो 94 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी महाभारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य जो थे यहाँ पर क्या, इनमें से सभी हो जाएगा, रैदास, धन्ना पेपा, कबीर, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, 95 नंबर का, ओके। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 96 क्या बोला जा रहा है, कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक का काल का इतिहास मिलता है? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएगा, सॉरी अकबरनामा हो जाएगा, ठीक है, अकबरनामा, ओके। चलिए बी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग तो जवाब आ चुका है, आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास के बाद जो bbphelp.com लिखिए और फटाफट से वहाँ पर चले जाइए, सारा सब्जेक्ट का PDF मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज सारा जो है मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो 97 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी राजगृह हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो 98 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, कि रूस में भारत विद्या का जो जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे, स्लीपी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि हरप्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? तो 100 नंबर का राइट आंसर क्या, बी नंबर, यानी 1921 में जॉन मार्शल ने की थी, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देखिए गूगल में आप लोग को किस तरीके से लिखना है, देखिए आपको सारा सब्जेक्ट का यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, उसके बाद मॉडल पेपर मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, आप लोग को लिखना है bbphelp.com लिखना है जाकर के, और वहाँ से आप सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना, तब तक जय हिंद जय